उत्तर प्रदेश के बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से लापता युवक के मामले का बुधवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में एक सनसनीखेज सच सामने आया है। इसमें पति पत्नी और देवर ने मिलकर युवक को पहले नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया, बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसके शव को नदी में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नागेंद्र साहनी दिनांक 26/12/18 को एक बर्थडे पार्टी में कहकर अपने घर से गए थे, किंतु घर वापस नहीं लौटे। उनके परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात पुलिस द्वारा उसकी खोजबीन की गई और नागेंद्र के कई मोबाइल नंबर मिले। उसको जांच पड़ताल किया गया। उसमें पाया गया कि नागेंद्र प्रताप का एक औरत से अवैध संबंध था और उसने उसको अपने मायके में अपने बच्चे के बर्थडे पर बुलाया था। संजय साहनी और उनके भाई अनिल साहनी, ये दोनों लोग वहां गए। संजय साहनी और अनिल साहनी था वह औरत जो संजय साहनी की थी। इन लोगों ने मिलकर के उसको गला दबाकर, जैसा कि बता रहे, हत्या कर दिए और गंगा नदी में उसको बोरे में रख करके नमक और वो बालू बांध करके डाल दिए।